नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली सरकार ने स्कूलों में शुरू किया बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम, युवा बिजनेसमैन तैयार करना लक्ष्य। पांडव नगर थाने में होमगार्ड ने किया सुसाइड, परिवार के आरोपों पर एसएचओ लाइन हाजिर। कोरोना संकट के बीच राजधानी में मच्छरों का आतंक, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता। दिल्ली में 15 सितंबर से खुलेंगे सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ने जारी की कोविड-19 गाइडलाइंस। और दिल्ली एनसीआर के घरों में बढ़ रही है सांप मिलने की घटनाएं, जानिए क्या है मुख्य वजह। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम लॉन्च किया। ये कार्यक्रम 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है। इस मौके पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा बिजनेसमैन स्किल्स को बाहर लाना है। आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरा कार्यक्रम और कैसे बच्चों को इस कार्यक्रम के माध्यम से बिजनेस के गुर सीखने का मौका मिलेगा। क्योंकि ये बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम आज लिख लीजिए देश की प्रगति में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। आज 7 सितंबर 2021 को दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं के और अदर 11वीं से 12वीं के बच्चों के लिए लॉन्च हो रहा ये प्रोग्राम आने वाले समय में देश की प्रगति का आधार बनने वाला है, ये मैं आज आपको बता रहा हूं। एक बहुत बड़ी तरक्की की बुनियाद इस प्रोग्राम से रखी जा रही है। एक ऐसा दिन जिस दिन हम अपनी पाठ्य पुस्तकों में लिखेंगे कि भारत अब एक विकसित देश बन चुका है, ये आज का दिन उसकी बुनियाद बनेगा। मैं आपके साथ बातचीत में हमेशा करता रहा हूं कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब भी हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता था कि भारत एक विकासशील देश है। तीन तरह के देश होते हैं, विकसित देश, कम विकसित देश और विकासशील देश। भारत एक विकासशील देश है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था हमको तब भी पढ़ाया जाता था। आज जब हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं तब भी हम उनको यही पढ़ा रहे हैं कि तीन तरह के देश होते हैं और भारत अभी भी एक विकासशील देश है। और आज से हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं, बिजनेस ब्लास्टर कहिए या कोई और नाम दे दीजिए, लेकिन ये जो काम हम शुरू करने जा रहे हैं अगर इसको हमने ठीक से लागू नहीं किया तो यकीन मानिए हमारे बच्चों के बच्चे भी अपने बच्चों को यही पढ़ाया करेंगे कि भारत एक विकासशील देश है, अभी भी विकसित नहीं हुआ। लेकिन अगर हमने और आपने मिलकर इस बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम और पूरे के पूरे एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कैरिकुलम को हमने ठीक से लागू कर दिया तो आज मेरा पूरा भरोसा है कि 15 से 20 साल मैक्सिमम लगेंगे कि हम अपनी टेक्स्ट बुक में बदल देंगे इस इतिहास को कि भारत अब विकासशील देश नहीं, विकसित देश बन चुका है। और ये एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कैरिकुलम और उसमें भी विशेष रूप से ये बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम इसका बहुत बड़ा आधार बनने जा रहा है। आज जब मैं ये बात कह रहा हूं तो हो सकता है कुछ लोगों को लगे बड़े बोल हैं, आज हो सकता है कुछ लोगों को लगे बड़ी यूटोपियन बात कर रहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली के स्कूलों से निकलने वाला एक एक बच्चा अपनी स्कूल की और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके जब जॉब मार्केट में फील्ड में काम करने जाएगा तो वो नौकरियां मांगने के लिए खड़ा नहीं होगा लाइनों में लग के, वो नौकरियां क्रिएट करेगा। ये दिन दूर नहीं। अपना निर्णय खुद निकालता है बच्चे, अपने क्षमताओं के हिसाब से खुद एक्सप्लोर करता है अपने आप को। और सबसे बड़ा उसका कंपोनेंट है जिसका आज हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसको बिजनेस ब्लास्टर्स। इसमें पिछले साल हमने 1,000 रुपए दिए थे लेकिन कोविड के चलते हर एक बच्चा उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाया स्कूल लॉकडाउन के कारण। लास्ट में जब कुछ दिन के लिए प्रैक्टिकल के दौरान स्कूल खुले तो एक पायलट प्रोजेक्ट किया गया 1,000 रुपए देके कुछ बच्चों को, जिनका प्रेजेंटेशन अभी थोड़ी देर में आपके सामने होगा। उन्होंने
ऐसा काम करके दिखाया कि हम सबका हौसला बहुत बढ़ा और इस प्रोजेक्ट को अब आज से हर एक बच्चे को 2,000 रुपए देने के प्रोजेक्ट के साथ में लॉन्च किया जा रहा है। आपके स्कूल के आपके स्कूल के 11वीं और 12वीं के हर एक बच्चे के लिए सरकार ने 2,000 रुपए मार्क किए हुए हैं, बजट किए हुए हैं। शर्त यह है कि उसके अंदर जिजीविषा होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है। आपका काम है कि उसके अंदर वो जिजीविषा पैदा करें कि मुझे कुछ करना है। वो बच्चा अकेले या आपने कुछ और मित्रों के साथ में, ग्रुप के साथ में, एक बच्चा, दो बच्चा, चार बच्चे के साथ ग्रुप में आके आपके सामने आता है, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, बाकी आपके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उसमें समझ में आएगा, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जब कोई बच्चा अपना प्रेजेंटेशन लाए कि साहब हमारे 3 मित्रों ने मिलकर, 10 मित्रों ने मिलकर ये बिजनेस आइडिया बनाया है, आप हमें 20,000 रुपए दे दीजिए, या हमारे 3 मित्र हैं तो 6,000 रुपए दे दीजिए, तो आप उसका क्लास में प्रेजेंटेशन करा दीजिए सारी क्लास के सामने। हर एक प्रोजेक्ट का क्लास में प्रेजेंटेशन करा दीजिए और क्लास के बाकी बच्चों को कह दीजिए कि इसकी बखिया उधेड़ दो, इसको ग्रिल करो। जितना क्लास के बच्चे अपने क्लास के ग्रुप्स को ग्रिल करेंगे उतना उनका बिजनेस आइडिया और स्ट्रांग होता चला जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को फिर आप इंप्लीमेंट कराइए अपने स्कूल में, उनको मेंटोर करिए। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाने में तैनात होमगार्ड ब्रिजलाल के सुसाइड मामले में SHO को लाइन हाजिर कर दिया गया है। आपको बता दें कि थाने के अंदर ही होमगार्ड ब्रिजलाल ने सुसाइड कर लिया था। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया था कि थाना अध्यक्ष के द्वारा होमगार्ड को प्रताड़ित किया जा रहा था। देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के पांडव नगर थाने में होमगार्ड ब्रजलाल ने थाने के अंदर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। इस मामले में परिवार ने SHO पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है, जिसके बाद थाने के SHO को लाइन हाजिर किया गया है। इस मामले में SHO सवालों के घेरे में हैं। मृतक के परिजनों ने थाना प्रभारी पांडव नगर को उनको प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, लिहाजा पुलिस गंभीरता से इस मामले की जाँच कर रही है। पुलिस ऑफिसर पर लग रहे गंभीर आरोपों के बीच पूर्वी दिल्ली की DSP प्रियंका कश्यप ने पांडव नगर थाने के SHO को लाइन हाजिर कर लिया है। कुछ भी ना सर, बस SHO की बताया करे कि SHO रोज झूठी जाऊं, रोज गाली गुप्ता, मतलब हर तरह की गाली गुप्ता करे। कभी तो मतलब शांत थे, कैसे था या परेशान थे? वो तो ऐसे ही रहते हैं, शांत से, हंसी खुशी से तो रहते ही नहीं है, नॉर्मल से ही रहे मैं हमेशा। कल संगम बिहार गए थे मेरी बहन के यहाँ, शाम को ड्यूटी करी, छुट्टी कर लेकर आए, डर की वजह से छुट्टी ना करी, जब मैं ज्यादा सकता ही करेगा छुट्टी कर लूंगा तो। पता नहीं जो के भाई, जो जितना स्टाफ है सब कोई गाली गुप्ता, इतनी गंदी गंदी गाली दे, ऐसी दे माँ बहन की सबकी। मैंने कह रही, मैंने की सारा स्टाफ इकट्ठा होकर नहीं है, बोलो तुम टेंशन क्यों लेते हो, मैंने की तुम कुछ मत टेंशन लेना, मैंने की तुम्हारी 4-5 घंटा ही ड्यूटी है बस। सुबह कितने बजे आए थे ड्यूटी पर? 8 बजे ही आते हैं रोज। यहाँ से बस इंचार्ज है लेखराज, उसका फोन गया था मेरे पास, बस तो पूछ रहे थे जो भाभी भाई साहब फोन नहीं उठा रहे। मैंने की फोन तो उठाते ही ना ड्यूटी में, जो कह मैं को ऐसा जो बात नहीं करने देता बिल्कुल भी, मेरा कभी फोन नहीं उठाते, कितनी भी इमरजेंसी आ जाए घर पे कभी फोन नहीं उठाते मेरा। अभी क्या बताया आपको पुलिस ने उनके बारे में? कुछ भी नहीं बताया, बस यही बताइए खुश खुशी कर लिए आ गए यहाँ। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी न, मुझे मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, मुझे तो बस यही बताइए खुश खुशी कर लिए, मुझे कुछ नहीं पता कुछ भी। क्या न्याय चाहते हैं बताइए? मैं क्या न्याय चाहती, मेरा तो आदमी चाहती, मुझे तो मेरा तो आदमी दे दो लाके, बस मैं तो ये चाहती हूँ। SHO के लिए तो वो हर तरह से बोलेगा, हर तरह से परेशान करता है उसके। अभी कोई अव्वल दर्जन दरोगा ने भी सुसाइड करी थी, ऊपर गोली मारी थी उसने उसी के चक्कर में। दरअसल होमगार्ड ब्रजलाल का शव पांडव नगर थाने में पंखे से लटका पाया गया था। 40 साल के ब्रजलाल UP के रहने वाले थे और दिल्ली में परिवार के साथ कोंडली इलाके में रह रहे थे। पिछले 5 सालों से ब्रजलाल पांडव नगर थाने में ही तैनात थे। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि SHO के सुपरविजन में ही ब्रजलाल काम करता था। आपको बता दें कि पांडव नगर इलाके में ही कुछ दिन पहले एक SI ने भी थाने की छत पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके परिजनों ने SHO पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। और अब होमगार्ड ब्रजलाल के परिवार ने भी थाने के SHO पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है, जिसके बाद भारी दबाव के बीच पुलिस के बड़े अधिकारियों ने SHO के खिलाफ एक्शन लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली से सचिन बिडलान के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।
राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले भले ही कम हो रहे हों, लेकिन दूसरी तरफ डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के मामले बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि अकेले अगस्त माह में ही डेंगू और दूसरी जल जनित बीमारियों के कुल कितने केस सामने आए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना से राहत मिलती नजर आ रही है, लेकिन डेंगू की चपेट में लोग तेजी से आ रहे हैं। दिल्ली वासियों को मच्छरों से अभी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। दिल्ली में डेंगू के कुल 124 मामले सामने आए हैं, इनमें से 72 मामले अकेले अगस्त में आए। सोमवार को जारी निगम की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। दक्षिणी निगम की रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी से 4 सितम्बर की अवधि में 2018 के बाद इस साल सर्वाधिक लोग डेंगू की चपेट में आए। 2018 में 137 लोग डेंगू के डंग का शिकार हुए थे, जबकि इस साल का आंकड़ा देखें तो इस साल डेंगू के कुल मामलों के 58% मामले केवल पिछले महीने आए हैं, जो कि चिंता बढ़ाने वाली बात है। फिलहाल इस साल अभी तक डेंगू से किसी की भी मौत नहीं हुई है। डेंगू के प्रकार की बात करें तो ये 3 तरीके का होता है, क्लासिकल यानी कि साधारण डेंगू बुखार, डेंगू हेमरेजिक बुखार और डेंगू शॉक सिंड्रोम। इन तीनों में से दूसरे और तीसरे तरह का डेंगू सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। साधारण डेंगू बुखार अपने आप ठीक हो जाता है और इसे जान जाने का खतरा नहीं होता, लेकिन अगर किसी को DHF या DSS है और उसका फौरन इलाज शुरू नहीं किया जाता तो जान जा सकती है। इसीलिए पहचानना सबसे जरूरी है कि बुखार साधारण डेंगू है या DHF है या DSS। बता दें कि डेंगू फैलाने वाले मच्छरों के लार्वा साफ और स्थिर पानी में तेजी से पनपते हैं। जमा हुआ बरसाती पानी डेंगू जनित मच्छरों के लिए सबसे अनुकूल है। वहीं मलेरिया और चिकनगुनिया के मच्छर गंदे पानी में पनपते हैं। हालत ऐसी है कि नालों के आसपास, पार्कों, खुले मैदानों में सुबह शाम बैठना खुलेआम चिकनगुनिया को बुलावा देना है। चिकनगुनिया के मामलों में इजाफा हुआ है। चिकनगुनिया के 32, मलेरिया के 57 मामले अब तक आए हैं। दिल्ली वालों को मच्छरों से सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। बीते दिनों राजधानी दिल्ली में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल ओपन हुए थे और उसके बाद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिल्ली के सभी कॉलेज भी खोलने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि आने वाली 15 सितंबर से दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत चलने वाले सभी कॉलेजों को बच्चों के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि इन कॉलेजेस में COVID-19 गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। राजधानी में कोरोना केस में कमी को देखते हुए स्कूल कॉलेजों को खोला जा रहा है। बीते दिन क्लास 9 से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कॉलेजों को खोलने की तारीखें घोषित कर दी हैं। 15 सितंबर से दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों में फिर से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। सोमवार को DU ने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज और बाकी डिपार्टमेंट्स को खोलने की सूचना दी और इसके साथ ही यूनिवर्सिटी ने सभी कॉलेजों को खोलने से पहले COVID-19 से संबंधित दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सोमवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी खोल दी गई, जबकि 50% क्षमता के साथ UG-PG के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की लेबोरेटरी या प्रैक्टिकल क्लासेस भी शुरू होंगी। कॉलेजों में ऑफलाइन क्लासेस अलग अलग फेज में शुरू होगी। छात्रों, शिक्षकों को गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी कॉलेजों के लिए DU ने COVID-19 की गाइडलाइंस जारी की है। क्या है DU की गाइडलाइंस? कॉलेजों या विश्वविद्यालय के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने COVID-19 वैक्सीन की दोनों डोज ली हो, कैंपस में एंट्री करने वाले स्टूडेंट्स को कम से कम COVID-19 का पहला टीका लेना होगा। सभी UG-PG कोर्स की थ्योरी क्लासेस अगली सूचना तक ऑनलाइन चलती रहेगी। कॉलेज छात्रों को टाइम और डेट देकर भी बुला सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस 50% कैपेसिटी के साथ शुरू होंगी। लैब क्लास हॉल या कमरे में छात्रों की लिमिटेड संख्या होनी चाहिए। स्टूडेंट्स अपनी जरूरत या पसंद के अनुसार ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास का ऑप्शन चुन सकते हैं। छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। DDMA द्वारा जारी 30 अगस्त 2021 और UGC द्वारा 5 नवंबर 2020 की सेफ्टी गाइडलाइंस भी लागू होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली में पिछले 2 महीनों के दौरान करीब 200 से ज्यादा घरों में सांप घुसने की घटनाएं सामने आई है। आपको बता दें कि
कई घरों में सांप भी मिले हैं। हालांकि जो वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि भारी गर्मी, उमस और बारिश की वजह से सांप अपने बिल से बाहर निकलकर ठंडी जगह पर जाने के लिए घरों को सॉफ्ट टारगेट बना रही हैं। देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में आए दिन सांपों के मिलने की घटनाएं बढ़ रही हैं। दिल्ली में जुलाई और अगस्त में बीते साल में करीब 1.5 गुना ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं। अभी तक बीते 2 महीनों में 200 से ज्यादा घरों में सांप के घुसने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें कोबरा और कॉमन करैत जैसे जहरीले सांप भी शामिल हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे गर्मी, उमस और भारी बारिश का कारण बताया जा रहा है। दिल्ली में सांपों को रेस्क्यू करने वाली संस्था वाइल्ड लाइफ SOS के मुताबिक इस साल जुलाई और अगस्त में 218 घरों में सांप घुसने की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें घर, ऑफिस, कैंपस, फार्म हाउस जैसी जगहें शामिल हैं। ऐसे में जानकारी मिलने के बाद टीम सांपों को वहां से निकालकर उसके नैसर्गिक पर्यावास में छोड़ दिया जाता है। बता दें कि वाइल्ड लाइफ SOS संस्था के विशेष कार्यकारी अधिकारी कार्तिक सत्यनारायण के मुताबिक इंसानी आबादी क्षेत्र में सांप 3 कारणों से घुसते हैं। भारी बारिश के चलते, इनके बिलों में पानी भर जाने के चलते सूखी जगह के तलाश में वे इंसानी आबादी का रुख करते हैं। बारिश में कीटों की संख्या बढ़ जाती है, जिसे खाने के लिए मेंढक बाहर निकल आते हैं। इन्हें खाने के लिए सांप इंसानी आबादी की तरफ आते हैं। सांप ठंडे खून यानी कि कोल्ड ब्लड वाले जीव होते हैं। उन्हें अपने तापमान को बरकरार रखने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में भारी गर्मी और उमस से परेशान होकर सुकूनदायक तापमान की तलाश में वे घरों में घुसने का प्रयास करते हैं। संस्था के सदस्यों की माने तो दिल्ली में कई हरित क्षेत्र के चलते सांपों का इंसानी आबादी में आना बहुत हैरत की बात नहीं है। इसके लिए बस हमें सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। अगर घर में सांप या कोई अन्य वन्य जीव दिखे तो डर के चलते उस पर हमला करने की बजाय उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए। इसके बाद वन विभाग, पुलिस या वाइल्ड लाइफ SOS को सूचना देनी चाहिए। उन्होंने बताया कि खुद कभी सांप को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी लापरवाही से सांप आप पर जानलेवा हमला भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। तो दिल्ली NCR दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।